कर चक्कर हत्ती और चढ़ैया हो चिल्लू और तो यहाँ पे खेल खेला जा रहा है और जहाँ से डायलिसिस होता है वहाँ पे ना दांत टाइप की हो गई है, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स तो अभी ना फिर से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और लाइट गोल हो रही है, कम से कम दिन में 4 से 5 बार लाइट गोल हो गई कि अंदर का कुछ कर पाऊँ, और रात में ही बहुत परेशान करी और मुझे मतलब सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मतलब चक्कर टाइप के आ रहे हैं। फिर मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अपना टाइम चेंज नहीं करूँगी, मुझे वीडियो तो कंटिन्यू करनी है। अब देखो लाइट आएगी तो मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं यहाँ पे बर्तन जमाऊँगी और मेरा खाना मतलब रोटी बस रह गई है सिकने को, बाकी सब्जी बन गई है। तो आज मैंने परवल की सब्जी बनाई थी और रोटी बस सेकने बाकी थी, जितना मुझसे कैप्चर हुआ उतना मैंने किया। बाकी ना बार बार आपको यकीन नहीं होगा, बार बार मैं ना मेरे यहाँ की लाइट गोल हो रही थी तो मैं सही ढंग से बना भी नहीं पाई। और सब कल रात से ही परेशान कर रही है, बिजली वगैरह कड़क रही है ना, और ये तो इस कारण नहीं बना पाई मैं वीडियो। एक मिर्ची है, प्याज है और धनिया है थोड़ा सा। तो चलिए मैं बनाती हूँ। तो अब मैं बनाती हूँ और इसमें नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है ज़्यादा। और ये चावल है, चावल पीसने का आपसे चयन नहीं किया। और फिर उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी। तो जिसमें बाबू भी हमारा खा लेगा ये। और जब ऐसा मौसम आता था ना तो हम बहुत खाते थे ऐसा, मतलब और आप भी कभी बना। तो मेरे हस्बैंड तो खा नहीं सकते हैं तो मैं और बाबू खा लेंगे इसमें से, क्योंकि इसमें चावल है और नमक थोड़ा तेज है और वो वाला नमक है इसलिए। देखिए मैं आप ही के सामने बना रही हूँ। आज मेरा काम करने का मतलब कि थका थका लग रहा था तो आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया और जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं किया, आराम आराम से किया। और कुछ मुंह अजीब लग रहा था ना, जैसे बुखार बुखार, तो मैंने सोचा ये कुछ तो बस इसलिए मैंने बनाया। और मैं इसको ढक दूँगी जिसमें कि थोड़ा सा और ये चुर जाएगा तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, पता नहीं क्या हो गया अपने आप अचानक से। चलिए और देखिए बन गए मेरे चीले, अब मैं इनको खा लूंगी, हम और हमारे बाबू खा लेंगे। और ये चाय चढ़ी एक तरफ मेरी, तो आप भी आ जाइए। और ये मटका लेकर आए थे हम, मतलब क्योंकि बहुत गर्मी अब होने लगी, जब तक ऐसे पानी पिया तो हमने पी लिया और फिर भी ये ठंडा नहीं रहा था पता नहीं क्यों, तो मैंने इसको ऐसे बांध दिया जिसमें कि थोड़ा ठंडा आएगा और रात की रात इसको भर देती हूँ। मैंने आपको अपनी चूड़ियाँ तो पहले ही बता दी थी और मैं आपको अपने सारे नेकलेस बताती हूँ जिसमें कि आप भाई भाई मेरी स्टोरी कुछ भी सुन के और बोर होते होंगे ना, तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरी पता है कब की है, मतलब ये मैं जब 12वीं पढ़ती थी तब से मैं ये सब जोड़ रही हूँ। कुछ मैंने शादी के पहले लिया, कुछ मैंने शादी के बाद लिया। और इन सब का मैं आपको प्राइस भी बताऊँगी और कहाँ से ली हूँ ये भी बताऊँगी। तो आपको तो सबसे पहले ये देखिए, इसके ना कान के वाले भी हैं मैचिंग के, तो मैं बताऊंगी अभी आपको। नहीं था ये मेरे ख्याल से 120 रुपए का था और तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। बाबू रुको, ये देखिए और इसकी कितनी अच्छी डिजाइन है ना। हाँ ये लो बाबू तो पहना दे रहे हैं। और इसकी मैचिंग के कान की भी अभी मैं आपको बताऊंगी। ये लो बाबू पहन लिया, बाबू बन कर रहा है।
और देखो ये तो मैंने आपको कल पहन के बताया था, मतलब हमारे यहाँ पे कुंभ लगा हुआ था पिछले साल, तो वहीं से हमने खरीदा था। मेरे ख्याल से ये भी 100 रुपए का ही है। और ये इनके कान के वाले हैं और मैंने कल ये पहन के आपको बताया है, सॉरी ये है ना, पैक बाद में कर दूंगी आपको, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ वरना वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। पता है आपको मैंने अपनी शादी में कोई बुक नहीं किया था कुछ चीज, मतलब खरीदा था सब कुछ, मैंने लहंगा भी खरीदा था, कभी मैं आपको लहंगा भी बताऊंगी जो मैंने अपनी रिसेप्शन वाले दिन पहना था जब मेरी शादी थी। और ये ज्वेलरी मैंने खुद से खरीदी थी और इसको अपनी शादी में पहनी थी। और तो ये ऊपर का है, सिंगल है, फिर ये दूसरा वाला है, और ये सेकंड वाला भी है। मैं ज़्यादा उलझा नहीं रही हूँ वरना मुझे रखने में भी टाइम लगेगा। और ये बेंदी है, इसकी चैन अभी निकल गई है, मैं भी लगा दूंगी, ये देखिए परेशान। अरे तो ये बेंदी है मेरी, और मेरे इसके ये कान के हैं, ये कान के हैं, इनको ऐसे ही रख दूंगी। और ये मैंने बाजू बंद लिया था यहाँ के लिए, ये सब शादी में पहना था, मतलब क्योंकि किराए से ले रही थी तो बहुत महंगा पड़ रहा था। और ये मेरी ज्वेलरी मात्र 500 रुपए की थी पूरी, और ये शादी पहनने के लिए अब तो इसका वो चला गया, ये अंगूठी है, मतलब अंगूठी हम पहनते ना, अब तो ये कोई काम की नहीं है। मैं इनको सबको जमा लूंगी अभी। और ये ब्राइडल वो टाइप की बेंदी नहीं थी, ऐसे लगाते हैं ब्राइडल, तो ये सब कुछ निकल गया है क्योंकि 2-3 साल हो गया। और ये मैंने ना कटोरा लिया था, ये कटोरा है मेरा, ये मैंने अपनी शादी में यही पहना था, और जब मेरी शादी हुई थी तो ये भी मेरा ख्याल से मेरा ये 200 रुपए का है, हाँ 200 रुपए का ही है। आपको समझ में आ रहा है, और इसकी एक लर भी गिर गई है। और मेरे पास गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी नहीं है, सिर्फ यही है गोल्ड में जो मैंने मंगलसूत्र पहना है, और जब से मेरे हस्बैंड ने पहनाया है जब से मैंने उतारा नहीं है, यही मंगलसूत्र है गोल्ड ज्वेलरी में, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है गोल्ड में। आ रहा है समझ में, मतलब कि जब हम कहीं पार्टी आर्टी में जाते हैं तो ये सब पहन दो। और इनके सबके कान के मैं पता नहीं कहाँ कहाँ है, ये हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, लगता ना गर्मियों में लगती है, कुछ लगती है क्या, लगती गर्मियों में, गर्मियों में क्या लगता है, कुछ लगता है ना, अरे नहीं कोई सबको लगता है, माले आने लगते हैं मेला नहीं, वहां पे लगता था विजयनगर में। ज्वेलरी का कुछ पता नहीं, खूब बड़ा मेला लगता है, मेरे ख्याल से महीने भर का लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद आए तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं से मैंने ये भी लिया था, ये भी मेरा 100 रुपीज का था। और ये ज्वेलरी तो मेरी फेवरेट ज्वेलरी है, और ये मेरी फेवरेट ज्वेलरी है क्योंकि ये इसको मेरे हस्बैंड ने दिया था, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए दिल्ली से लाए थे जब वो गए हुए थे अपनी ट्रेनिंग में, वहीं से वो लेकर आए थे। और देखिए कितना खूबसूरत है, और मेरे हस्बैंड की पसंद भी बहुत अच्छी है, और मैंने उनसे बोला था कि मेरे लिए क्या लेके आओगे, मेरे लिए ऐसी चीज़ लेके आना, तो उन्होंने मुझे ये नेकलेस लाया था। और आपको पता है कि उन ये नेकलेस का रीज़न पीछे क्या है, क्योंकि मतलब कि उनको पता था कि मुझे हार माले बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से उन्होंने ये लाई थी और 2 साड़ियाँ लाई थी मेरे लिए दिल्ली से।
और ये मेरे से सोने से बढ़कर ये मेरे लिए बहुत कीमती तोहफा, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से रखती हूँ, कॉटन की रुई में रखती हूँ। तो मैंने ये जमा लिया है और इनको ना ऐसे ही रख दिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि अब मैं अपने हस्बैंड को खाना दूंगी और बाबू को भी खिलाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो खुखू लगी थी ना इधर? हाँ मैं भैया की खुखू ठीक हो गई यार। अच्छा चिड़िया उड़ कैसे? चिड़िया उड़, कौआ उड़, कैसे खेलते? खेलो जरा। चिड़िया उड़, चिड़िया बोलो, चिड़िया बोलो भैया, चिड़िया उड़, कौआ उड़। इधर देखो, इधर देखो, ओहो। अच्छा नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते कर दो, नमस्ते बाय बाय कर दो। अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय। ऐसे चुम्मी कैसे देते? ऐसी वाली, ऐसी वाली। और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को सर दबा रही हूँ, क्योंकि डायलिसिस के एक दिन पहले उनको पैरों में दिक्कत, सर में दर्द, ये सब उनको होने लगता है, और कल उनका डायलिसिस है। तो मैं इनको झंडू वाम तो लगा नहीं सकती हूँ, और मुझे डर लगता है क्योंकि पता नहीं कब कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो जाए, इस वजह से मैंने झंडू वाम नहीं लगाया। तो मैं सर दबा रही थी और मेरा बाबू सो गया था, और ये करीब मेरे 11 बजे का वीडियो है। और मेरे हस्बैंड को ठंडी भी लग रही थी, मतलब पानी गिर गया तो उमस वाली गर्मी है, पर उनको ठंडी लग रही थी। तो पता नहीं और क्या होगा। तो चलिए, अगर मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप सबकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना। और मुझे भी नींद आ रही थी, तो चलो ठीक है, बाय बाय।